नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का एक चैनल है भारत जोड़ो यात्रा, उस पर उन्होंने अपना एक इंटरव्यू डाला है जिसमें वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक से बात कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो ना सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं बल्कि सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। इस इंटरव्यू में पुलवामा से लेकर राजनीति, अडानी से लेकर मीडिया, धारा 370 से लेकर कास्ट सेंसस, सबको राहुल गांधी ने अपने सवालों में घेरा है। फेक और मैन्युपुलेटेड न्यूज पर कंट्रोल्ड मीडिया से लेकर किसान बिल, मणिपुर, महिला आरक्षण और ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो राहुल गांधी ने ना टच किया हो। इंटरव्यू के फर्स्ट फेज में पुलवामा और कश्मीर पर खासा फोकस रहा। पुलवामा पर देखिए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से क्या पूछा। आपकी क्या राय उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया। और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैं मतलब मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला। प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, हेडलाइन। मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है इसके कारण ये किया गया है, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर ओवरशैडो कर दिया। बिल्कुल, राहुल गांधी काफी सधे हुए पत्रकार की तरह सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में कास्ट सेंसस की भी बात की। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस में जब वो रिसर्च कर रहे थे तो देखा कि दलित और ओबीसी वर्ग की ना तो राजनीति, ना ही ब्यूरोक्रेसी और मीडिया या तरक्की में किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं है। कंट्रोल्ड और मैन्युपुलेटेड मीडिया की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे मीडिया उन मुद्दों को दिखाता ही नहीं है जो जनता के हित के होते हैं। लेकिन इस पर बात करते हुए उन्होंने मीडिया को एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जनता से सीधे संवाद को ज्यादा सार्थक बताया। कुल मिलाकर पूरा इंटरव्यू उन्हीं सब मुद्दों पर था जो वो अक्सर टीवी और संसद पर उठाते नजर आते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि जब वो पत्रकारों को इस तरह सिरे से खारिज कर रहे हैं तो फिर आखिर पत्रकारों की तरह इंटरव्यू लेने की उन्हें आवश्यकता क्या है। तो क्या अब राहुल गांधी राजनीति छोड़कर पत्रकार भी बनेंगे? चलिए, अच्छा है, आने दीजिए पत्रकारिता में, कम से कम पत्रकारों की पीड़ा तो उन्हें पता चलेगी, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, जो भी सत्ता में रहा उसने पत्रकारों के लिए कुछ काम नहीं किया। आज के समय में गोदी मीडिया कहकर पत्रकारिता को और मीडिया को कोसना बहुत आसान है, लेकिन मीडिया का काम करना बेहद मुश्किल है। अगर किसी भी सत्ताधीश को पत्रकारों की परवाह होती तो पत्रकारों के लिए अगर अलग कानून नहीं तो कम से कम पत्रकार सुरक्षा कानून तो लागू किया ही जा सकता था। अगर आपको ये पूरा इंटरव्यू देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि क्या राहुल गांधी वाकई में एक ऑनेस्ट ओपिनियन पेश कर रहे थे या फिर उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला, अब वो खुद ही मीडिया का काम करने के लिए उतर पड़े हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।